मुझे ऐसा बताया गया कि दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर कुछ लोगों ने आज के विषय को लेकर ये एटमॉस्फेयर बनाने की कोशिश की, देर विल बी ए ग्रेट टेंशन। तो मुझे उस पर से अपने इंटरनेशनल सिंगापुर का टूर 6 महीने पहले में था, 3 महीने पहले मैं कलकत्ता में था, दोनों जगह के कार्यक्रम का बैनर था वर्ल्ड विद कॉन्फ्लिक्ट्स, वर्ल्ड विद पीस, ब्रदर उनेस एंड लव, विश्व शांति के लिए प्यार के साथ भाईचारे से जीना चाहता है या विश्व हिंसा में और दंगे में जीना चाहता है। मुझे सिंगापुर की कॉन्फ्रेंस 7-8 देशों की थी, उसका उद्घाटन भी करना था और समापन में भी बोलना था। कलकत्ता में भी लगभग ये स्थिति थी, सिंगापुर 2 दिन के लिए थे, कलकत्ता 1 दिन के लिए थे। मैं वहाँ के विषय की और चर्चा नहीं करूँगा। मैंने अपने जीवन में पहली कविता की और पहली कविता बोली, मेरा कविता से कोई दोस्ती नहीं है पर दुश्मनी नहीं है, सुनना बहुत पसंद है, सुनने के बाद कुछ करेक्ट करना हो तो उसकी कोशिश करता हूँ। मेरे से एक प्रश्न पूछा गया था, अच्छा आदमी और ताकतवर आदमी कौन होता है? मैंने कहा था जो सदा मुस्कुराए और दूसरों को मुस्कुराहट दे वो सबसे नेक आदमी होता है और सबसे ताकतवर आदमी होता है, दुनिया में तो उसका बिगाड़ नहीं सकता। तब अकस्मात वाई दे रही थे, मेरे ऊपर क्या कृपा हुई, तो वहीं खड़े खड़े एक कविता आई जिसमें 5-6 पंक्तियाँ हैं और कविता भी मिठाई पर आई, और जबकि मैं डायबिटिक आदमी और मिठाई भी कौन सी आई तो जलेबी रानी है। मैं उसकी कविता सुना, जलेबी बोली मैं मिठाई हूँ गोल गोल मिठाई, जलेबी बोली मैं उलझी उलझी मिठाई हूँ, जलेबी बोली मैं गुलझी गुलझी मिठाई, कुल मिलाकर जलेबी बोली मैं गोल गोल उलझी उलझी गुलझी गुलझी मिठाई हूँ, रुकी और फिर बड़े जोर से बुलंद आवाज में बोली, आई एम वेरी थैंकफुल टू गॉड, मैं भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, मैं किसी को टेंशन नहीं देती हूँ, सबको स्वीटनेस देती हूँ। कुछ लोगों की आदत होती है टेंशन में रहना चाहिए, टेंशन देना चाहिए, उनके प्रति मैं बड़े प्यार से कहा करता हूँ, जिंदा है इसलिए श्रद्धांजलि तो दे नहीं सकते परंतु प्रभु से प्रार्थना जरूर कर सकते हैं कि वो टेंशन से रिलैक्स हों और दूसरों को टेंशन नहीं दे। मैंने पिछले 14-15 साल में विश्व के 20 से अधिक मुसलमान देशों से इंटरेक्ट किया है, सऊदी भी होगा, तुर्किस्तान भी होगा, फिलिस्तीन भी होगा, ओमान भी होगा, दुबई भी होगा, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगान भी होगा, फिलिस्तीन भी होगा। मैंने भारत में 4,000 मौलाना इमाम मौलवी काजी इन सब से इंटरेक्ट किया है, बड़ी सभाओं में भी किया है, छोटी में भी किया है, अकेले भी किया है। 13,000 से अधिक इंटेलेक्चुअल्स, IAS अफसर होंगे, प्रोफेसर होंगे, IPS होंगे, जजेज होंगे, रिटायर होंगे, वर्तमान के होंगे, पत्रकार होंगे, ऐसे सब धनवान लोग होंगे, उनके अरबपति करोड़पति ऐसे सब लोगों से किया। 15 लाख लोगों को मैंने एड्रेस किया, कश्मीर से कन्याकुमारी तक किया, गोवा गुजरात से लेकर असम और मणिपुर तक किया, और जितने मुस्लिम पॉकेट्स हैं सेंसिटिव मानी जाती हैं मैंने उनमें भी एड्रेस किया। मैंने अजमेर शरीफ में और देवबंद में भी एड्रेस किया, मैंने क्लियर शरीफ और शाहदरा शरीफ और निजामुद्दीन शरीफ में भी एड्रेस किया, मैंने कश्मीर घाटी में भी एड्रेस किया। सब ये जानते हैं मैं क्या बोलता हूँ, परंतु अभी तक
भारत में और दुनिया में किसी ने ये नहीं कहा, इंद्रेश जी ने जो इंटरप्रिटेशन ऑफ इस्लाम की है, इंद्रेश जी ने जो इंटरप्रिटेशन ऑफ भारत की और नेशनलिज्म की है, इसमें कुछ गलत है। ये रिएक्ट करने वाले मेरे बड़े अच्छे अच्छे मित्रों में कुछ लोग हैं, ओबीसी है, बदरुद्दीन अजमल है, राशिद अलवी है, खुर्शीद आलम है, आजम खां वगैरह है, जो रिएक्ट करते हैं। जब रिएक्ट करते हैं तो चेहरा देखने पर बड़ा मज़ा आता है। वो ये कहते हैं कि अब एक हिंदू हमें इस्लाम बताए, फिर दूसरा और फड़कते हैं तो आरएसएस वाला हिंदू हमें इस्लाम बताए। दीज आर द जनरल रिएक्शंस। फतवे वतवे भी देते रहते हैं, भड़कते भी रहते हैं। कुछ समय के बाद जब प्रतिक्रिया जाती है तो बदलते भी हैं, परंतु अभी तक पूरे देश के अंदर मेरा नाम लेकर बदतमीजी का व्यवहार करने का साहस, जो कांग्रेस मुझे भगवा हिंदू आतंकवादी कहती थी, उसकी भी हिम्मत नहीं हुई। सब नेता मिलते थे, मौलाना मौलवी मिलते थे, कुछ भी मिलते थे, वो मजाक में और अपमानजनक शब्द बोलने का कभी हिम्मत नहीं थी। 23 दिसंबर 2010 मुझे सीबीआई ने ग्रिल करने के लिए बुलाया था। भारत के और दुनिया के अंदर एकमात्र वो ऐतिहासिक घटना है जब हजारों मुसलमान अगेंस्ट दैट कांग्रेस बाहर नमाज भी अदा कर रहे थे और प्रार्थना भी कर रहे थे कि आदमी पूर्णतया निर्दोष है, सरकार गलत है, झूठी है, पत्रकार फिर भी भटक रहे थे। आज तक भारत में और विश्व के इतिहास में किसी के लिए भी सीबीआई ऑफिस के बाहर इतनी बड़ी मुस्लिम संख्या ने कभी धरना नहीं दिया होगा दोस्त। अब पूरी भारत सरकार, प्रदेश सरकार का दबाव था कि आई मस्ट बी अंडर सिक्योरिटी, पर मैं जम्मू कश्मीर 83 से 2000 रहा, मैंने कभी सिक्योरिटी नहीं ली। जहाँ डीजीपी और चीफ मिनिस्टर विद्या सिक्योरिटी नहीं जाते थे, मैं उन गांव में भी बिना सिक्योरिटी के जाता था। मैंने उन शैतानों से खेल कर देखा दोस्त, और आज भी चला जाता। मैंने ये छोटा सा ब्रीफिंग इसलिए किया, आपको गलत जीना नहीं चाहिए, दूसरों को गलत बताना नहीं चाहिए, वो बहुत शैतान आदमी होता है, बहुत नालायक और खतरनाक होता है। जो झूठ बोलता और भड़काता है वो इंसान नहीं होता, शैतान होता है। मुझे इस समय भारत के अंदर 12,000 से अधिक मुस्लिम महिलाएं हैं जो 20 दिन के रक्षाबंधन के आगे और पीछे मुझे राखी बांधती हैं, चलकर भी आती हैं राखी बांधने, कार्यक्रमों में बांधती हैं। हमने राखी के उत्सव को मानवीय जीवन मूल्य के रूप में वहाँ प्रतिष्ठित किया है दोस्तों। वहाँ मुझे तलाकशुदा महिलाएं मिली, मैंने उनको कहा यू मस्ट फाइट, वी विल गिव यू असिस्टेंस। जिस समय पूरे हिंदुस्तान में कोई सत्य के साथ खड़े होने के लिए तैयार नहीं था, सच और सही बोलने के लिए तैयार नहीं था, मुस्लिम महिलाएं कोर्ट में गई, कोर्ट से सड़क पर आई, सड़क से टेलीविज़न पर गई, टेलीविज़न से फिर कोर्ट में गई, लड़ा। मैंने इसका 3,000 से अधिक मौलाना इमाम मौलवी और दुनिया के देशों से कंसल्टेशन किया, ये सब मिलाकर क्या है। तब मैंने इस पर बोलना शुरू किया, क्योंकि कोर्ट्स के जजेज ने कहा फॉर आवर नॉलेज यू मस्ट स्पीक। तब मैंने सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट 750 से अधिक में, जिस समय 22 जज उस भाषण को इनडायरेक्टली सुन रहे थे अपने चैम्बर्स में बैठे हुए, मैं उस विषय पर बोलने के लिए गया था। तिरंगा होगा कि वंदे मातरम बोलना होगा कि भारत माता की जय होगा, गाय होगा, मैंने सब पर किया। और आज एक बहुत सेंसिटिव इशू जिसको लोग मानते हैं, सन 1528 में जो जन्म, इसके लिए 73 संघर्ष हुए, सब संघर्षों में रक्तपात हुआ। ये एक संघर्ष है जो कानून से और वार्ता से चल रहा है, बिना रक्तपात के चल रहा है।
और ये बिना रक्तपात के चलेगा। ग्रह युद्ध तो बड़ी दूर की बात है, ग्रह शांति आएगी, और ऐसी ग्रह शांति आएगी जो मैं और आप कल्पना नहीं कर सकते। हाउ द नेशन कैन बी सो पीसफुल। मैं कुछ सत्य आपके सामने रखता हूं, उनको समझना। पहली बात, कैथोलिक ईसाइयों के लिए दुनिया में वेटिकन सिटी है। वेटिकन सिटी एक है, चर्च लाखों, पर हर चर्च वेटिकन सिटी नहीं। इसी प्रकार से मक्का मदीना एक है, मस्जिदें यह लाखों हैं, पर कोई भी मस्जिद मक्का और मदीना नहीं। यह विषय राम मंदिर का नहीं है, विषय है राम जन्म स्थान दुनिया में एक ही है। राम मंदिर दुनिया में लाखों और करोड़ों हैं, घर घर में भी है, मन मन में भी है, पर हर राम मंदिर राम जन्म स्थान नहीं। कॉमरेडों ने और दुनिया में गुमराह करने वालों ने बताया कि राम मंदिर वर्षित विषय है। जो ये मानते हैं वो सब बेईमान और झूठे। इसलिए विषय है राम जन्म स्थान जो दुनिया में एक ही है। राम मंदिर करोड़ों है। दूसरी बात जो ध्यान में करनी चाहिए, जो बड़ी महत्वपूर्ण है, मैं पूना के विश्वविद्यालय में था, भारत के बड़े बड़े स्कॉलर आए हुए थे, दुनिया से भी थे। वहाँ 10-15 स्टूडेंट्स ने और कुछ लेक्चरर्स ने मुझे एक बोलते समय में चिट भेजी, अंकल मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना, ये नारा सब बोलते हैं पर लड़ते उसी के नाम पर, नफरत उसी के नाम पर परोसते हैं। परंतु उन्होंने कहा कि हमारा सवाल है, ईसाइयों का कैथोलिक है, प्रोटेस्टेंट का कौन सा है, प्रेसिपिटेरियन बाप्टिस्ट का, वो हमें मालूम है, पर बाई एंड लार्ज वेटिकन। मुसलमानों का मक्का मदीना शरीफ, यहूदियों का यरूशलम है, ताओ शिंतो का, और उन्होंने दो नाम बताए, चीन के अंदर एक जगह और वहाँ है उनका बड़ा मंदिर, जैन का है, बौद्ध का है, सिख का है, सनातनियों के। निजे अंकल, अगर ये कर लिया जाए कि जितने भी धर्म दुनिया में और भारत में हैं सबके प्रमुख स्थानों को मानवता मंदिर में बदल दिया जाए और सदा सदा के लिए झगड़े को निपटा दिया जाए, तो आपका इस पर मत क्या है? मैंने उनका प्रश्न पढ़ा भाषण देते देते, मैंने वो पूरा प्रश्न पढ़कर ऑडियंस के सामने रखा, नाउ यू स्पीक, तो लोग भड़कने शुरू हुए। दूसरे के पूजा स्थल की अश्रद्धा करना, उसका अपमान करना, उस पर हंसना, व्यंग करना और तोड़ना, ये पापी और राक्षस का काम है, मानव का काम नहीं हो सकता, वो किसी भी धर्म का क्यों नहीं। हम पापी हैं क्या, अपराधी हैं, राक्षस हैं, या हम इंसान हैं? और इसलिए सबको ध्यान में आ गया। पर उन नौजवानों का मैंने सब खड़े कर दिया, 17-18 का एक ग्रुप था, उन्होंने अपना एक छोटा सा एनजीओ भी बनाया हुआ था इंटरनेशनल स्तर का, अभी भी कभी कभी मिलने आते हैं। उसने कहा भाई यू आर थिंकिंग ऑफ ए वन। दूसरी बात, उसमें उन्होंने प्रश्न में पूछी, कुछ लोग बड़ा रोमांटिक सुझाव देते, बाग बना दो, शौचालय बना दो, पार्क बना दो, बड़े रोमांटिक से समाज है, मेंटल केस के सुझाव यही होते हैं, दे आर द नॉट द नॉर्मल केसेस, दे आर ऑल मेंटल केसेस। तो उसमें उन्होंने पूछा ये झगड़े का, इसलिए यहाँ तो ये बना दो, कल किसी दूसरे पर मुकदमा, तीसरे पर मुकदमा, चौथे पर मुकदमा कर दे, कोई आपके मकान पर और आश्रम पर मुकदमा कर दे, कोठी पर कह दे जी ये मेरी है, तो क्या उसमें से आपको निकाल कर वहाँ पर शौचालय बनाया जाएगा, सुलभ शौचालय बनाया जाएगा? विल यू अलाउ दिस थिंग? स्वयं रोमांटिक वे में बेवकूफ नहीं बनना चाहिए, दुनिया को बेवकूफ बनाकर भड़काना नहीं चाहिए। इसलिए विषय है राम जन्म स्थान, राम मंदिर नहीं। अब इसे आगे की बात और सुननी जो समझना चाहिए। 1528 में बाबर नाम का एक बादशाह आया था। बाबर कौन था? वो भारतीय नहीं था, मंगोलियन था।
वह स्वदेशी नहीं था, विदेशी था, वह आक्रांता था, इस देश का नहीं था। आक्रमणकारी बनकर इस जमीन पर कब्जा करके मेरे और आपके ऊपर अत्याचार करके चाहे मोहम्मदीन हो चाहे मोहनलाल हो, उनको गुलाम बनाने के लिए आया था। वी आर नॉट मेंट टू बी स्लेव, हम इसलिए नहीं जन्मे हैं कि हम गुलाम बने। दुनिया में इस बात को ध्यान में रखना चाहिए, आक्रांताओं का इतिहास कभी उस देश का इतिहास नहीं होता है। जो कहते हैं आक्रांताओं का इतिहास हमारा इतिहास है, उनको श्रद्धांजलि देकर कहना चाहिए भारत छोड़कर चले जाओ, नहीं चल सकते। मैं आपको बहुत छोटे रीसेंट उदाहरण देता हूं, नस्ल विरोध साउथ अफ्रीका में बापू ने जंग लड़ी थी नस्ल भेद को खत्म करने के। साउथ अफ्रीका में आज बापू पूजे जाते हैं, परंतु वहां का भूगोल और इतिहास नहीं कहता है, बापू हिस्ट्री जावर हिस्ट्री। वो कहते हैं उन्होंने हमारे यहाँ ये कॉन्ट्रीब्यूट किया, सो वी सैल्यूट हिम, बट बापू इज नॉट आवर हिस्ट्री। विवेकानंद यूरोप के अंदर और अमेरिका में माने जाते हैं, हजारों संस्थान हैं उनके नाम पर, हजारों सड़कें मार्ग हैं, कार्यक्रम भी होते हैं, वो विवेकानंद को सम्मान भी करते हैं, पर अमेरिका ये नहीं कहता विवेकानंद इज एन अमेरिकन हिस्ट्री। ये तो अत्याचारी नहीं थे, अन्यायी नहीं थे, आक्रांता नहीं थे, तो भी उन देशों ने उनको अपना इतिहास नहीं माना, उन्हें कहा ये भारत से थे, इन्होंने जो वेलफेयर मूवमेंट चलाई वी सैल्यूट दैट वेलफेयर मूवमेंट, बट इट इज नॉट आवर हिस्ट्री। और इस देश के अंदर कुछ भटके हुए इतिहासकारों ने कहा आक्रांताओं का इतिहास हमारा इतिहास है। आक्रांताओं का इतिहास कभी दुनिया में किसी देश का इतिहास नहीं होता, उन आक्रांताओं के विरुद्ध अच्छे लड़े बुरे लड़े जो इस देश के नागरिक लड़ते हैं उनका इतिहास भारत का इतिहास है, ये बहुत स्पष्ट रहना चाहिए, इसको समझना। अब इसके बाद का अगला एक बिंदु ध्यान में लाता हूं जो समझने के लिए, क्योंकि आपको भी डिबेट करनी होगी, आपको भी अपने मस्तिष्क के अंदर तथ्यों को ले जाना होगा, उसको भी समझना चाहिए। मोहम्मद बिन कासिम गोरी गजनी से लेकर बाबर तक, हुमायूं तक, अकबर, शाहजहां, शेरशाह सूरी, औरंगजेब तक, उसके बाद कोई और भी आए होंगे, उससे पहले 3000 साल पहले रोमन आए होंगे, यूनानी आए होंगे, मिस्र आए होंगे, फिर शकुन कुशान आए होंगे, फिर पुर्तगीज आए होंगे, फ्रेंच आए होंगे, ब्रिटिश आए, फिर मुगल, तुर्क, तार्तर, पठान आए, ये आक्रांताओं के रूप में है। जो लोग कहते हैं ये आक्रांता कैसे अच्छे थे, आई गो ओनली विथ थ्री थिंग्स, मूल्यांकन करने में गलत नहीं जाना चाहिए, सत्य और सही को समझना चाहिए। फ्रॉम मोहम्मद बिन कासिम टिल औरंगजेब, जिन्होंने 10 साल राज किया या 50-60 साल राज किया, आप मैं पहला प्रश्न करता हूँ, क्या आप पूरे भारत के अंदर कोई एक जगह बता सकते हैं इन बादशाहों ने हिंदुस्तान को शिक्षित करने के लिए किसी महाविद्यालय और विश्वविद्यालय का फाउंडेशन स्टोन रखकर उसको बनाया और वो यूनिवर्सिटी आज पूरे हिंदुस्तान में जो पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया उसमें भी वर्क कर दिया। बल्कि उस समय विक्रम विश्वविद्यालय था, नालंदा था, तक्षशिला था, शारदा थे, उन्होंने वो तोड़े, ये इतिहास मिलता है। उन्होंने एक भी विश्वविद्यालय का फाउंडेशन स्टोन रखकर विश्वविद्यालय निर्माण नहीं किया, वो चाहते थे इस देश में सलामुद्दीन है के सोनलाल है सब अनपढ़ रहने चाहिए, वो सत्ता के भागीदारी नहीं होनी चाहिए, जागरूक होकर हमें बाहर भगाने वाले नहीं होने चाहिए। इसलिए नॉट इवन ए सिंगल कॉलेज, नॉट इवन ए सिंगल यूनिवर्सिटी दे ओपन्ड इन देयर रूल्स। अगर हो तो मुझे बता दीजिए यहीं बैठे बैठे, बाद में सो दिमाग लड़ा कर बता दीजिए। ना आई एम कमिंग टू द सेकेंड क्वेश्चन, उन्होंने कोई इंडस्ट्रियल क्लस्टर और बड़ी इंडस्ट्री खोली जिससे रोजगार बने, जिससे प्रोडक्शन हो, जिससे विकास आए, जिससे खुशियाँ आए। आप मुझे पूरे हिंदुस्तान के अंदर बता दीजिए 50 इंडस्ट्री का, 60 का, 100 का, 200 का स्मॉल स्केल होंगी और होम इंडस्ट्री होंगी, इनके क्लस्टर उन्होंने 20-30 खोले और ये बड़ी इंडस्ट्री लगाई।
जिसका अकबर ने, हुमायूं ने, बाबर ने और शिलान्यास किया और उसका ओपनिंग करके उसके लिए करोड़ों रुपया देकर उसको बनाया। नॉट इवन ए सिंगल इंडस्ट्रियल क्लस्टर, नॉट इवन ए सिंगल इंडस्ट्री दे एस्टेब्लिश्ड, क्योंकि ये देश रोजगार विहीन रहे। बल्कि जो इंडस्ट्री चलती थी उसमें जो स्किल्ड लेबर थी वो अजरुद्दीन था कि अशोक कुमार था, उसके हाथ और पैर काटने की सैकड़ों कथाएं जो आज भी चीखती और बोलती हैं। क्या हमें ये समझ नहीं आता, दिखता नहीं, सुनता नहीं, पढ़ नहीं सकते क्या? ऐसा कैसे होता देश में? नाउ आई एम कमिंग टू द थर्ड पॉइंट। वो आयुर्वेद नहीं खोलते, होम्योपैथी नहीं खोलते, कोई नहीं खोलते। एलोपैथी का उस समय जन्म ही नहीं ढंग से हुआ था, पर वो यूनानी खोलते। कोई एक डिस्पेंसिंग क्लस्टर ऑफ डिस्पेंसिंग, एक 10 बेड का, 20 बेड का, 40 बेड का, 50 बेड का, 100 बेड का कोई हॉस्पिटल इनमें से किसी सम्राट ने खोला या उसके नुमाइंदे ने खोला? इसलिए नो हॉस्पिटल, नो इंडस्ट्री, नो यूनिवर्सिटी, ताकि देश बीमार भी रहे, अनपढ़ भी रहे, बेरोजगार भी रहे, केवल गुलाम का जीवन व्यतीत कर सके। क्या ऐसे बादशाहों को, आक्रांताओं को आप समझने में इतनी बड़ी भूल करेंगे कि उसके नाम पर इस देश की सड़कों और यूनिवर्सिटियों के नाम रखेंगे? और इसलिए मैंने मोहम्मद बिन कासिम जो पहला आक्रांता आया था उससे लेकर आखिर तक की बात की। और मैं आप में नहीं कर रहा, माई दीज डायलॉग आर गोइंग विद द मुस्लिम्स। कल लखनऊ के अंदर शाम को 7 बजे से 10 बजे तक देश के बड़े बड़े मुस्लिम स्कॉलर्स होंगे, वो हैदराबाद यूनिवर्सिटी के होंगे कि अलीगढ़ के होंगे कि जामिया के होंगे, शिया होंगे कि सुन्नी होंगे, देवबंदी होंगे कि बहा, मकतब के होंगे कि मजारों के और दरगाहों के होंगे। ये बड़ी संख्या में हम बैठने वाले। मैं कल दोपहर को लखनऊ जा रहा हूँ वार्ता के। और इसलिए इसको समझना, नॉट इवन। फिर आप किस बात पर कहते हैं उसने किसी को थोड़ी सुविधा दी, कहीं थोड़ा अच्छा बनाया? मैं जब पहली बार, आई एम स्टडिंग इन 11th एट दैट टाइम, मैं पहली बार दिल्ली आया था गांव से उठकर, हम उस समय आगरा भी स्टूडेंट टूर में गए थे, मुझे आज तक वो प्रश्न याद है। 70 में मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने के बाद जब मैं प्रचारक बना तो मैं 71-72 में ताजमहल देखने के लिए फिर गया था। तो वहाँ जो मुसलमान मिले उन्होंने मेरे से प्रश्न किया कि बादशाह को अपनी बीवी से इतनी मोहब्बत थी, उसकी याद में उसने इतना सुंदर ताजमहल बनाया, पर हम उस बादशाह से आगरा के लोग प्रश्न करते हैं, भाई अपनी बीवी की सुंदरता के लिए ताजमहल बना, हमें कोई एतराज नहीं है, 100 करोड़ का बना, 125 करोड़ का बना, 100 करोड़ में एक हॉस्पिटल, एक इंडस्ट्री और एक साथ में यूनिवर्सिटी खोल देता ताकि हमें शिक्षा, रोजगार और तरक्की तो मिल जाती, स्वास्थ्य मिल जाता, भाई ये ना कर। उसने हिंदुस्तान के अंदर सब बादशाहों ने मकबरे दे दिए। आज अगर मकबरों पर टिप्पणी करेंगे तो ऐसा बवाल मचाएंगे जैसे आप लोग भी मकबरे में ही जीना चाहते हैं। गुलाम बन कर मत जिए, असत्य के साथ मत जिए, गलत के साथ मत जिए, झूठ के साथ मत जिए, सत्य का एनालिसिस करने की ताकत तो होनी चाहिए। और इसलिए एक भी नहीं है, मैं कितनी जगह जाता हूँ, मैं दिल्ली के 9-10 टाउन में गया, वहाँ जो चौकीदार लगे हैं मुसलमान आते हैं, कहते हैं भाई साहब घूमते हैं, टिकट लेते हैं, टिकट देते हैं, पर हमें समझ में आया इससे हमें मिल क्या रहा। मैं ये नहीं कहता खूबसूरत इमारतें नहीं होनी, ताज नहीं होना चाहिए, पर प्रश्न खड़ा होता है वाई नॉट इंडस्ट्री, वाई नॉट यूनिवर्सिटी, वाई नॉट हॉस्पिटल। जो विकास का लक्षण है, आदमी के जीने का मार्ग है, जो सद्भाव का रास्ता है, शांति का रास्ता है, प्यार मोहब्बत भाईचारे का रास्ता है, वो सब माइनस क्यों? इन सब चीजों पर भी सोचना पड़ता है दोस्त, अंधे होकर नहीं दिया जाता, ज्ञानहीन होकर नहीं दिया जाता, इसलिए इसको सोचना चाहिए। अब मैं इसके आगे का एक बिंदु और कहता हूं, नाउ काउंट। उसके बाबर के मन में आया कि मस्जिद बनानी, मस्जिद बनाने के लिए पूरे इस्लाम के 5 पैरामीटर हैं दोस्त।
आपने कुरान शरीफ पढ़ा के नहीं पढ़ा, सुन्नत पढ़ा के नहीं पढ़ा, हदीस पढ़ा के नहीं पढ़ा, हजरत आदम से लेकर 25वें पैगंबर अंतिम रसूल तक पढ़ा के नहीं पढ़ा। तो पढ़ लीजिए, नहीं तो उसमें से दो छोटी बातें में ये वायदा था, इसको समझ में आएगा। पहली बात, जिसको मस्जिद बनानी है व्यक्ति को या संस्था को, उसने वो जमीन दान में दी होनी चाहिए, क्योंकि जमीन किसी आदमी के नाम नहीं होनी चाहिए, जमीन मस्जिद के नाम होनी चाहिए। उस समय जो भी मुसलमान अयोध्या फैजाबाद में थे, किसी ने बाबर को जमीन दान में नहीं दी। तो आप समझ सकते हैं ना स्टेटस ऑफ मुस्लिम माइंड एट दैट टाइम क्या था, कि जमीन दान में नहीं दी उसको। दूसरा, मेरी आपकी इच्छा करती है व्यक्ति के रूप में, समूह के रूप में मस्जिद बनानी, तो हमने अपनी नेक कमाई में से जमीन खरीदनी चाहिए, और जमीन किसी विवाद के नहीं होनी चाहिए, विवाद मुक्त जमीन होनी चाहिए। बाबर ने, मीर बाकी ने करोड़ों पति होने का जमीन खरीदी नहीं है, उसका एक भी पैमाना नहीं है, कागज नहीं, ये जमीन दान में नहीं थी, जमीन खरीदी भी नहीं। तीसरा, अगर आप किसी जमीन पर बनाना चाहते हैं, उस पर बलात बनाना, वो नापाक होता है, इसलिए वहाँ नमाज अदा नहीं हो सकती, नमाज अदा करेगा तो कबूल नहीं होती, इसलिए आप ज़बरदस्ती किसी जमीन पर कब्जा करके अगर मस्जिद बनाएंगे तो वह इलीगल एंड इमोरल अकॉर्डिंग टू इस्लाम। फिर जहाँ उसने बनाई वहाँ पर राम जन्म स्थान था, वह ऑलरेडी राम मंदिर था, उसको तोड़कर बनाने की कोशिश, और इसलिए किसी भी धर्म के दूसरे दायरे को तोड़कर मस्जिद बनाना यह कुफर है, जन्नुम का रास्ता है। इसके लिए कुरान शरीफ इजाजत नहीं देता। हजरत आदम से लेकर अंतिम रसूल तक जो 25 नबी कुरान शरीफ में बताए गए हैं, उनमें से किसी ने इसकी इजाजत नहीं दी, सुन्नत और हदीस से भी नहीं देते, और इसलिए इसको ध्यान में रखना। तो ये बात भी उसमें से है। फिर इसके बाद वहां जब मस्जिद बनाने की कोशिश की, मस्जिद कभी बनी नहीं। 1528 से लेकर आज तक देर वाज नेवर ए मॉस्क, और वहां कभी नमाज ही नहीं हुई। अयोध्या और फैजाबाद का एक भी मुस्लिम परिवार नहीं मिलता जो ये कहता हो कि 100 साल 200 साल 300 साल या आज हम वहाँ नमाज अदा करने गए हैं और जाते हैं, नॉट इवन ए सिंगल इंस्टेंस इज देयर। सनातन में, शैव में, वैष्णव में, सब में मत है कि जिस देवता की मूर्ति होती है उसके नाम पर मंदिर होता है। राधा कृष्ण मंदिर है, देवी मंदिर है, काली मंदिर है, गणपति मंदिर है। इस्लाम का स्ट्रिक्ट रूल है जो 99 नाम खुदा के कुरान शरीफ में, नबी पैगंबर और उनके उपनाम है, इनमें से ही मस्जिद का नाम होगा। इंसान पर कभी नहीं हो सकता, बादशाह पर करना तो एक किस्म से खुदा का अपमान करना है। जैसे रावण ने कहा मैं ही भगवान हूँ, ऐसे किसी बादशाह के नाम का करने का मतलब खुदा को और अल्लाह को नकारना है, और इसलिए वहाँ बाबरी मस्जिद कहा गया है, वह है इस्लाम का घोर अपमान। ऑल द 5 and 6 फंडामेंटल्स ऑफ इस्लाम, बाबर ब्रोकन एवरी फंडामेंटल, ही हैज नॉट फॉलोड इवन ए सिंगल फंडामेंटल। अब मैं इसे अगले बिंदु पर चलता हूँ दोस्तों। मैं इसलिए कह रहा हूँ पैनल डिस्कशन में इनमें से सवाल जरूर पूछना पैनलिस्ट से, मुझे बाद में कंक्लूड करना, इसके अतिरिक्त कुछ बातों को लेकर मैं कहूँगा उस समय। अब उसके अंदर से आता है बाबर कौन है। इस देश के 17 करोड़ मुसलमान, 16 करोड़ पाकिस्तान के मुसलमान, 12 करोड़ बांग्लादेश के मुसलमान, आसपास अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, तिब्बत, श्रीलंका, म्यांमार, जावा, सुमात्रा, और उसके साथ साथ ये जो है मालदीव, ये जो पड़ोसी 13 देश बनते हैं, इनके 0.5 करोड़ के लगभग इस्लाम मतावलंबी मिलाकर, ये सब कौन है। बाप का नाम, दादे का नाम, पड़दादे का नाम, चढ़दादे का नाम, लक्कड़ सड़ सड़ दादे का पूछा, सबके और मेरे और उनके, आपके और उनके, सबके पूर्वज सांझे हैं।
कोई हिंदुस्तानी नहीं है, सब हिंदुस्तानी, सब भारतीय, कोई विदेशी नहीं। आप किसी से भी पूछिए, मैंने तो लाखों से पूछ लिया और लाखों से करोड़ों में पूछता जाऊंगा। हम इसलिए नहीं जन्मे थे कि भारत कटता रहे, धर्मांतरण होता रहे, खून बहता रहे, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते रहे, देश के अंदर हिंसा होती रहे, देश में कोई शांति विकास आए ही नहीं। इसके लिए तो मैं आरा पढ़ने के लिए नहीं आया दुनिया के अंदर, इसको पढ़ना भी नहीं। पढ़ना है हमें खूबसूरत भारत के लिए, एक सुगंधित भारत के लिए, एक विकसित भारत के लिए, एक भाईचारे और प्यार और मोहब्बत वाले भाईचारे के लिए। ये खरीदी नहीं जाती है, सत्य और सही से प्रतिष्ठित होती है, इसलिए इसको समझना होता। और इसलिए वहां पर हुआ, अब रीसेंट पोजीशन ऑफ भारत सरकार और सुप्रीम कोर्ट को बता देता हूं। केस अब सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट से पहले केस था राम मंदिर वर्सेज बाबरी मस्जिद, अब सुप्रीम कोर्ट में ये केस का नाम बदल गया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट से प्रारंभ हुआ था, इसलिए केस में राम मंदिर नहीं है, अब है राम जन्म स्थान अयोध्या वर्सेज। जब मुसलमान स्कॉलर वहां आकर बार बार बाबरी मस्जिद कहते थे तो उनकी आत्माओं को ठेस पहुंचती थी, रूह कांपती थी, हम पाप कर रहे हैं जन्म जाएंगे, इसलिए मुस्लिम स्कॉलर गिवन ए एप्लीकेशन, इसको बाबरी मस्जिद नहीं कह जाए, ये इस्लाम का अपमान है। फिर क्या कहा जाए, तो दो शब्द उभरे दोस्तों, विवादित यानी कॉन्ट्रोवर्शियल कंस्ट्रक्शन, दूसरा अवैध ढांचा यानी इल्लीगल कंस्ट्रक्शन। इस पर बहस के अंदर अब जो सुप्रीम कोर्ट में केस है वो राम मंदिर वर्सेज बाबरी मस्जिद नहीं है। आप में से जो राम मंदिर वर्सेज बाबरी मस्जिद बोलते हैं सब बेईमान है और झूठ बोलते हैं। अब केस है वहां पर राम जन्म स्थान अयोध्या वर्सेज विवादित ढांचा। मुस्लिम पार्टियों ने मांग लिया है कि वो ढांचा वह कॉन्ट्रोवर्शियल है, मस्जिद भी नहीं है और ढांचा भी ऐसा नहीं है जो सर्वसम्मति से हो, इसलिए बी केयरफुल अबाउट द सुप्रीम कोर्ट केस। केसेस वहां पर है कि राम जन्म स्थान अयोध्या वर्सेस विवादित ढांचा, बाबरी मस्जिद नहीं। मैंने जरूर कहा कि इलीगल ये मानना चाहिए, पर वहां आया कि चलो विवादित से हो जाए, ये दिस इज द केस। जिस समय लखनऊ के कोर्ट में था, इलाहाबाद के कोर्ट में था, उस समय तीनों जजों ने फैसला दिया प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू रामलला। इसके बाद केस बंद कर दिया, एक जज मैनेज हुआ और उसने क्या किया, उस जमीन को बांट दिया, थोड़ा निर्मोही अखाड़े को दिया, थोड़ा मुसलमानों को दिया। पर उसने एक बात ध्यान में रखी, वह जमीन जब मुसलमानों को दी, उस जज ने दी, जो अन्याय था, अत्याचार था, न्यायपालिका का और न्याय परंपरा का भी अपमान था, तो भी उसने ये नहीं कहा यह सुन्नी वक्फ बोर्ड को दी जाए, शिया वक्फ बोर्ड को दी जाए, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को दी जाए, किसी और मुस्लिम संस्था को दी जाए। उसने कहा नहीं, यह मुसलमानों के मन में थोड़ी खुशी आए, उनको भी शेयर मिल गया भारत में, इसलिए मुसलमानों को दी जाए। मुसलमानों में आज बहस है कि किसको मिलेगी वो, इसलिए हाई कोर्ट ने ऑल द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लाम उनको रिजेक्ट कर दिया, केस से बाहर कर दिया। परंतु फैसला तो इलीगल था, इमोरल था या अनजस्टिफाइड था सुप्रीम कोर्ट में। आप सुप्रीम कोर्ट के अंदर आने से पहले घटना और घटी, खुदाई होनी चाहिए। मुसलमान स्कॉलर्स को, नेताओं को बताया, इसमें खुदाई में निश्चित रूप से इस्लामिक स्टांस मिले। बहस चली हाँ और ना में से अल्टीमेटली तय हो गया खुदाई हो। मजदूर रखे गए आधे आधे, आधे मुस्लिम आधे हिंदू, जो सारी चीजें खुदाई में आएंगी उनको संजो कर रखना है, ऐसे एक्सपर्ट रखे गए आधे हिंदू आधे मुस्लिम। फिर जो खुदाई में आएगा इनकी जो जांच करेंगे उसके अंदर कौन हो, मुसलमानों ने, कॉमरेडों ने, सो कॉल्ड सेकुलरिस्टों ने दबाव बनाया, मुसलमान शुड हेड केरल के मोहम्मद,
केरलाइट है, इस्लाम मतावलंबी है, भारत के और दुनिया के बहुत बड़े भूगर्भ शास्त्री, वो हेड बने, विश्व हिंदू परिषद आदि सब लोगों ने उनको स्वीकार किया और उनके नीचे एक बोर्ड बना, खुदाई हुई। पहली परत की खुदाई के बाद रुक गया, जो पिछले 1000 वर्ष तक की खुदाई थी। उन्हें तो इस्लाम 1528 में ही आया, जब वहाँ तक है ही नहीं है ख़त्म, तो भी बाकियों ने देश के अंदर झगड़ा फसाद शुरू किया, और इसलिए एक खुदाई, दो, तीन, चार परत खुदाई हुई। इसलिए सबसे पहली खुदाई का एरा जो था 1000 ईयर था, लास्ट खुदाई का एरा, और वह 30,000 से लेकर 4-5 लाख वर्ष तक जाता है। वो सारे रखे गए, और उसके बाद के मोहम्मद ने अयोध्या में और लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिन पर पत्थर पड़े और हूट किया। उन्होंने कहा नॉट इवन ए सिंगल माइनस भी कोई प्रमाण इस्लाम का नहीं है, सो आई प्रे टू द एंड आई आल्सो से टू द मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन दे शुड विड्रॉ द केस एंड दे हैव गिवन ए रिटर्न टू द प्रेजिडेंट, दैट प्रेजिडेंट, उस समय के प्रेजिडेंट को मुस्लिम संस्थाओं ने लिखा था कि अगर खुदाई में कोई भी प्रमाण नहीं मिलेगा तो हम केस विड्रॉ कर लेंगे। टाइटल सूट जो लोअर कोर्ट में चला, सेशन कोर्ट में चला, हाई कोर्ट में चला, सबने कहा जमीन तो रामलला की है, बांटना उचित नहीं है बिना रामलला से पूछे। इसलिए सुप्रीम कोर्ट को बताना है खुदाई के आधार पर वो केस वापिस ले, और टाइटल सूट रामलला का है, सुप्रीम कोर्ट का काम यहाँ ओवर हो जाता है। जनता के स्तर पर दंगा ना भड़काए, ने गलत फहमिया ना, झगड़े ना, मुझे और आपको कोई गुमराह ना कर सके, इसलिए कोर्ट ने बाहर भी हो मेरा लगभग राम जन्मभूमि अयोध्या को लेकर 1.5 लाख से अधिक मुसलमानों से पिछले 1 साल में इंटरेक्शन, हमने अयोध्या में भी 6 सम्मेलन कर लिए। इस बार की रामनवमी पर सैकड़ों में मुसलमान राम आरती करने के लिए गए थे, जो इस सब में कंक्लूड हुआ। पहला पॉइंट, बाबरी के नाम से अयोध्या फैजाबाद तो दूर, यूपी दूर, हिंदुस्तान दूर, पूरी दुनिया में मस्जिद नहीं हो सकती, क्योंकि इट इज एन इस्लामिक फंडामेंटलिज्म। दूसरा, वो रामलला की जमीन है, वह राम स्थान बनना चाहिए, नहीं तो दुनिया आकर बताए क्या हम अरब में जाकर या वेटिकन में जाकर अमेरिका में कोई राम राम जन्म स्थान बना दे, वहां जाकर बना लेंगे, यही है यहां बनना चाहिए। मुसलमानों के मन में कईयों के आता है कि मस्जिद बनानी चाहिए, मुझे शिया स्कॉलर भी आए, सुन्नी स्कॉलर भी आए, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के लोग भी मिलने हैं। मैंने उनको कहा तुम्हारे 72 फिरके हैं इस समय हिंदुस्तान के अंदर जिनमें लड़ाई झगड़ा है, दुनिया में सबसे ज़्यादा इस्लामिक देश देश से लड़ रहा है, इस्लामी देश अन्य देशों से लड़ रहा है, इस्लामिक मजहबों में अगर पूरी दुनिया में पर डे 5,000 लोग कत्ल होते होंगे तो 3,000 से अधिक मुसलमान कत्ल होता है, इतना इन फाइटिंग है आपका आपस के अंदर, तो इसलिए आप ऐसा करो एक मस्जिद बना लो, सब फिरके मुसलमानों के इकट्ठे होकर बना लो ताकि मुसलमान कहीं तो इकट्ठे हो जाए। तो मेरे पास आए कुछ, कहने लगे इकट्ठा कौन करेगा, मैंने कहा RSS एन एक्सपर्ट टू ऑर्गेनाइज, हम आपको भी संगठित कर देंगे भारत के नाम, मालूम नहीं है किस रास्ते से। पर वहाँ एक और अजीब प्रस्ताव हुआ, मस्जिद मस्जिद नहीं होगी, अमन की, प्यार की, भाईचारे की और तालीम की मस्जिद बनाएगी, ये भी बहस चली। और इसलिए यह मैंने सत्यों में चीज़ें आपके सामने रखी दोस्तों। अभाव में आकर आप जरूरत से ज़्यादा अपने आप को ज्ञानी मानकर झगड़ा मत करिए, गलत मत जाइए, खराब मत जाए। इस देश के अंदर जो विदेशी और आक्रांता थे उससे मेरा और आपका कौन सा रिश्ता है, वो जमीन पर कब्जा करने देश को गुलाम बनाने के लिए आए थे, जो जमीन पर कब्जा करे देश को गुलाम बनाए मेरे और आपके ऊपर अत्याचार करे क्या वो रिश्तेदार होंगे? अपने देश में भी अगर कोई ऐसा होगा बरादरी में उसको भी हम दुश्मन डील करते हैं,
परंतु इस देश के अंदर एक नई फिलॉसफी जन्म की गई कामरेडों के द्वारा, ब्रिटिशर्स के द्वारा और अन्य संस्थाओं के द्वारा। कहते हैं अपने वाले से हेट करो, शिवाजी पसंद नहीं है पर औरंगजेब से प्यार करो। ऐसे लोगों को क्या करना है सर? हु आर टू हेट? आप हेट करने वाले कौन होते हैं इस हिंदुस्तान के आदमी से? और विदेशी को प्रशंसा करके, प्यार करके अपने सिर पर बिठाने वाले कौन होते हैं? नहीं चलेगा हिंदुस्तान के अंदर, न चल सकता। इसलिए बहुत समझना है। अंतिम एक टिप्पणी करूंगा, कार्यक्रम क्योंकि एक घंटा लेट हुआ है, इनकी इच्छा है पैनल डिस्कशन भी हो जाए, बाकी भी हो जाए, तो बेचारे चिट लेकर भी खड़े हैं। इसलिए पहली देरी की भरपाई करने के लिए कुछ जल्दी करना चाहिए। इसलिए आखिर में एक बात कहूँगा, इसको समझना चाहिए, बहुत जरूरी है। मैं केवल एक ही उदाहरण दूंगा। मेरे को अभी मुस्लिम हिस्टोरियंस ने और कम्युनिस्टिक हिस्टोरियन ने एक मीटिंग में बुलाया था मेरे से डिस्कशन करने के। 300 के लगभग स्कॉलर थे पूरे हिंदुस्तान। मैंने उनसे जो अनेक वार्ताएं की, उन वार्ताओं में जो एक पॉइंट था वो केवल बताता, बाकी फिर बताऊंगा। मैंने कहा नाउ देयर इज अकबर ग्रेट, यू नो हु इज अकबर? वो मंगोलियन था, विदेशी था, बादशाह था, जन्मा राजकोट, राज करने आया था। जन्मा था तो मुगल था, पर व्हाट इज हिज डेथ टाइम? उसका डेथ टाइम क्या था? 4 साल पहले उसने इस्लाम छोड़ दिया था। मरते समय अकबर वो सम्राट था जो ना मुसलमान था ना हिंदू था। उसके दिमाग के अंदर एक काम चलता था, एक रिएक्शन था कि ईसा एक धर्म चला सकता है, मोहम्मद एक धर्म चला सकता है, मूसा एक धर्म चला सकता है, बुद्ध एक धर्म चला सकता है, महावीर एक धर्म चला सकता है, नानक एक धर्म चला सकता है, अकबर ग्रेट क्यों नहीं चला सकता? अब उसको जब नया धर्म चलाना है तो इस्लाम छोड़ना पड़ता, इसलिए उसने इस्लाम छोड़ दिया, मस्जिद छोड़ दी, रसूल छोड़ दिया, कुरान शरीफ छोड़ दी, नमाज छोड़ दी। और जब छोड़ दिया तो उसने एक नए मजहब की घोषणा की जिसको दीन इलाही कहा जाता है। इस्लाम में रहते वो नया मजहब नहीं चला सकता था क्योंकि मजहब ऑलरेडी था उसके पास। दीन इलाही मजहब थे, 10 बिंदु उसने तय किए इस श्रेष्ठ मजहब के, ये 10 पॉइंट्स होंगे उसके, 10 टैनामेंट्स उसने घोषित। उसके सामने उस समय प्रश्न खड़ा हुआ, मुझे इसका पैगंबर मानेगा कौन? तो पहली भर्ती हुई 9 शिष्यों की, ये हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट है दोस्त, 9 उसके दीन इलाही मजहब है। प्रश्न खड़ा हुआ इनका पूजा घर कैसा होगा, पूजा की किताब कौन सी होगी, रास्ता दिखाने वाली किताब कौन सी होगी, पूजा का तरीका क्या होगा, उसके श्लोक कौन सी भाषा में होंगे, अरबी फारसी हिंदी किस में होंगे। परंतु उस समय लोगों ने कहा बादशाह सलामत, दुनिया को पता लग गया है कि आपने इस्लाम छोड़ दिया, दुनिया को पता लग गया है कि आपने एक नया मजहब दीन इलाही चला दिया, दुनिया को पता लग गया आप उसके पैगंबर घोषित हो गए, मान लिया है लोगों ने आप उसके पैगंबर होने वाले, आपने उसके 10 नियम भी फ्रेम कर दिए, पर तो भी आपको मानने वाला चाहिए, इसलिए मौलाना इमाम मौलवी माने बुलाए थे। सबने कहा साहब हम आप तो इस्लाम में हैं, हम इस्लाम से कुफर होकर और काफिर होकर नए मजहब की अनुमति कैसे दे सकते, दे बाई पर वो चले। फिर पंडित संत महात्मा बुलाए गए, उन्होंने कहा हम तो ऑलरेडी सनातन के अलग अलग धर्मों में, हम नहीं कर सकते ये, छोड़ दिए। फिर अकबर, कभी इतिहास पढ़िए आराम से, अकबर की तलवार बाहर निकली और अठमाशियाँ बाहर निकली, तलवार चली अठमाशियाँ खड़की, 300-400 मौलाना इमाम मौलवी भी आए, 50-100 पंडित पुजारी और संत भी आए, और उन्होंने अकबर को इस नए मजहब का पैगंबर घोषित किया। और अकबर की एक्सरसाइज चली, मेरे पूजा स्थल का नाम क्या हो, मेरी पूजा प्रेयर कैसी होगी, भाषा कौन सी होगी, ग्रंथ कौन सा होगा, उसका डिजाइन कौन सा होगा,
ये करते करते अकबर विद इन 2 ईयर्स मर गया, इसलिए कुछ भी डिसाइड नहीं हो सका। अंग्रेज ने इस्लाम से एक खुंदक थी, इसलिए बदला लेने के लिए अकबर को ग्रेट किया। मैंने और अपने बेब बनकर अकबर को ग्रेट मान लिया। मैंने जब इंदौर के 3,500 मुसलमानों में, रतलाम के 1.5 लाख से अधिक मुसलमानों में कहा कुफर 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 अकबर ग्रेट, और पूरे भोपाल के, पूरे मध्य प्रदेश के शहर काजी आए हुए थे 80 से अधिक, जब मैंने उसमें डायलॉग करते हुए बात रखी, उन्हें कहा 723 फतवे उस समय अकबर के विरुद्ध पूरी दुनिया से आए थे, अकबर को इस्लाम से निष्कासित किया जाता है। लैक ऑफ नॉलेज में अपना दुर्घटना नहीं करने के लिए दोस्त, जो अपने मजहब का नहीं बना, जो अपने जन्म का नहीं बना, उस समय अगर छोटी सी तकलीफ कर लेते हिंदू लोग, वो हिंदू बनने के लिए तैयार था। अकबर जमुना के किनारे, बीरबल जमुना के किनारे गए, नवरतन साथ में थे, एक गधे को लेकर साबुन से रगड़ते हुए नहलाने लगे। अकबर बादशाह ने पूछा बीरबल क्या कर रहा है, उसने कहा गधे को और गाय बना रहा हूँ, कैसे हो सकता है, मैं जैसे महाराज आपको बना लिया। अगर उस समय उसको स्वीकार कर लिया था, भारत का इतिहास बदल चुका होता दोस्तों। परंतु आज अज्ञान में से क्या सत्य और असत्य, इसको तो समझना चाहिए ना। और इसलिए ऑल द 300 हिस्टोरियंस है कि हमने कुछ कुछ तो सुना था पर बोलने की हिम्मत नहीं थी। यू टोल्ड, मेरे खिलाफ किसी ने बगावत नहीं की, प्रदर्शन नहीं किया, धरना नहीं किया। आज जब मुझे पता लगा कि यहाँ का रजिस्ट्रार कह रहा पता नहीं क्या होगा, तो मेरी एक बार इच्छा हुई कि फोन पर उसको कहूँ पहली श्रद्धांजलि तुझे देनी है कि किसी और को देनी है। ये नहीं चलता। 4 लोग भड़कते हैं, 3 लोग चीखते हैं, 4 लोग चिल्लाते हैं, 5 पत्थर मारते हैं, सत्य थोड़ी बदल जाएगा, असत्य थोड़ी प्रिवेल कर जाएगा। और इसलिए इसको समझना, मैंने आपके सामने व्हाट इज द हिस्टोरिकल ट्रुथ, व्हाट इज द लीगल ट्रुथ, व्हाट इज द पब्लिक। इसलिए कोर्ट ने और सरकार ने कानूनी कार्रवाई से ये जमीन रामलला की, इसको स्थापित करना है। इसमें प्रमाण एक भी इस्लामिक नहीं है। दे शुड एड देयर कमिटमेंट टू विड्रॉ द केस। जनता में इसलिए इसके ऊपर बहस चाहिए, इस सच को समझने और जानने की बहस इसलिए चाहिए ताकि असत्य ना हो जाए, गलत के साथ हम ना खड़े हो जाए, लोग भड़का नहीं सके, झगड़ा नहीं कर सके, खून खराबा नहीं, मारपीट नहीं। और इस देश के अंदर जो सत्य और सही है उसको स्वीकार करने की हिम्मत सबके अंदर आनी चाहिए। इफ आई एम रॉन्ग आई शुड बी करेक्ट माई सेल्फ। और इसलिए कोर्ट के अंदर संवैधानिक सत्य स्थापित होगा, कोर्ट से बाहर जनता में वार्ता के द्वारा जो भड़काने लड़वाने वाली ताकतें हैं उनको पराजित करके हम एक भारत एक भारतीय हैं, हम एक हिंदुस्तान एक हिंदुस्तानी हैं, हम एक इंडिया एक इंडियन हैं। इसलिए जिसको ईसा कहा गया, मोहम्मद कहा गया, उसी में ये देवी देवता आते हैं। जिसको ईश्वर कहा, परमेश्वर कहा, परमात्मा कहा, गॉड कहा, अल्लाह कहा, खुदा कहा, वाहेगुरु कहा, तारक कहा, उसी को राम कृष्ण और शिव कहते हैं। दुनिया में यही एकमात्र सत्य है दोस्तों। जो इस सत्य को मानता है वो सच है और इंसान है, जो नहीं मानता वो शैतान है, क्योंकि इट इज द ओनली ट्रुथ। आपको शब्द नहीं पसंद है भाषा का, इसका अर्थ थोड़ी है सत्य बदल जाए। आप कट्टरपंथी हैं, कॉमरेड हैं, पथभ्रष्ट हैं, भ्रमित हैं, तो इसका अर्थ थोड़ी है कि सत्य बदल जाए। रामनवमी की छुट्टी बनाए और राम को मिथ दे, क्या करना है ऐसे नेताओं को और जजों। और इसलिए अगर वहाँ आता है दिवाली पर क्रैकर छूटेंगे तो आता है कि प्रदूषण होगा, पर 31 दिसंबर और 1 जनवरी को छूटेंगे दुनिया में तो फिर प्रदूषण नहीं होता। आखिरकार इस देश में लॉजिकली सोचने की आदत बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे। मैंने और आपने देखा कि जिस समय दिवाली के पटाखों का था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा प्रदूषण, आप में से भी विशेष मैक्सिमम हाँ बड़ा प्रदूषण,
और आप में से किसी ने उस दिन जुबान क्यों बंद कर ली थी जब 31 दिसंबर और 1 जनवरी को पूरी दुनिया विस्फोट कर रही थी? वेयर यू आर, इसका मतलब है कि आपकी पर्यावरण और प्रदूषण की कंसेप्शन नहीं, मान्यता ही नहीं, जीवन मूल्य नहीं मालूम, उसका सत्य और असत्य नहीं मालूम। तो हम रिएक्ट करते हैं तो किस चीज़ को लेकर रिएक्ट करते हैं? मैंने ये सब चीज़ें इसलिए कही कि मुझे और आपको भी समझना है दोस्त। मैंने इंडिया गेट को पिछले 30 साल में कभी सैल्यूट नहीं किया। इंडिया गेट अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया स्मारक, जिन्होंने अंग्रेजों की सत्ता को भारत में और दुनिया में स्थापित करने के लिए जंग लड़कर बलिदान दिए, उनकी यादगार का 1,26,000 शहीद सैनिक, कोई कंबोडिया में शहीद हुआ, कोई रूस में शहीद हुआ, कोई कहीं और शहीद हुआ, भारतीय सैनिक और विदेशी सैनिक हैं उनके। मुझे वहाँ के माली ने बताया कि साहब आप जिसको याद करने आए हैं, मालूम है ये वो हिंदुस्तानी और विदेशी सैनिक हैं जिन्होंने अंग्रेज के अधीन हमारी आज़ादी को कुचलने के लिए जुल्म किए, अंग्रेज उनको अमर करने के लिए स्थापित करके गया। मैंने लंबा समय लिया आपके सामने कुछ कहते गए। अब इस पर पैनल डिस्कशन में बड़े विद्वान आए हैं, अलग अलग धर्मों के भी हैं, वो आएंगे करेंगे, पर लेट अस आउट ऑफ टेंशन तो एक दो खेल खेलेंगे, योग का और लाफिंग का। खड़े भी खेलेंगे, बैठे भी खेलेंगे, बड़े भी खेलेंगे, छोटे भी खेलेंगे, ऊपर बैठे हैं वो भी खेलेंगे। पहला है लस्सी योग। मैं कहूँगा एक तो आपने करना हा 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 हा, ऐसे हाथ में लस्सी का गिलास लेना। कहूँगा दो हा 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 करते हुए लस्सी दूसरे हाथ का गिलास लेना। तीन हा 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 वो लस्सी डाल दे। चार हा 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 करके वापिस। और पांच लस्सी पीना हा 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 हा। छः में खूब जोर से गड़गड़ाना। तो खेलेंगे सब, चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाएगी सब। चलो लस्सी योग विद स्माइलिंग लाफिंग। एक हा 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 हा। दो हा 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 हा। तीन हा 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 हा। चार हा हा हा। पाँच हा 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 हा। छः हा हा। भारत माता की।